हम तम यज्ञ बाहर से फाइनली कल गृह प्रवेश होने वाला है और आज शाम से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर देखिए पंडित जी आ चुके हैं और यहां पर देखिए मंडप को सजा रहे हैं गृह प्रवेश की पूजा के लिए। और तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही हैं और हमको नहीं लगता कि आज रात में हम लोग सो पाएंगे, क्योंकि इतना सारा काम है कि मुश्किल लग रहा है कि हम लोग सो पाएंगे। क्योंकि सुबह 11 बजे तक गृह प्रवेश की पूजा एकदम अच्छे से संपन्न हो जाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग एकदम बिजी हैं। और यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, आप देख ही रही हैं, और यहाँ मंडप सजाया जा रहा है और हम लोग पुराने वाले घर में फटाफट सारी तैयारियाँ भी कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूरी रात सोए नहीं और अब 3 बज रहा है और हम यहाँ अपने पुराने वाले किचन में, यहाँ पर देखिए दरी वरी लगा दिए हैं और सोफ़ा वगैरह लगा दिए हैं ताकि कोई मेहमान आए तो इधर पानी वानी पिला दिया जाए। नाश्ता वास्ता हम बना देंगे और सभी लोग अपना कर लेंगे इधर ही से, क्योंकि नए वाले घर में अभी जब तक पूजा नहीं हो जाता, ब्राह्मण भोज नहीं हो जाता, वहाँ पर जूठा नहीं गिराया जाता है, तो हम लोग यहीं पर ही व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये हमारा पुराना किचन है, आप लोग पहले वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारा पुराना किचन है और अब हम नए किचन में, जब गृह प्रवेश होने के बाद हम नए किचन में वीडियो शूट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने अच्छे से रात में खाना बना था तो अच्छे से हम यहाँ पे सफाई कर दिए हैं और यहाँ अब खाना वाना बनने की सारी तैयारियाँ होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, आलू प्याज वगैरह सब्जी वगैरह। तो अब हम इन सबको अच्छे से काट लेंगे साफ़ करके और जितनी भी तैयारियां हैं कर लेंगे ताकि सिर्फ बनाना रहे, उस दौरान काटना वाटना न रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी सब्जियों को अच्छे से धुल दिया है और काट भी रहे हैं। तो आइए हम और दिखाते हैं आपको आगे। तो देखिए अंधेरा है, पूरा अंधेरा है और हम यहाँ पर अंगीठी वगैरह जला करके रखे हुए हैं, अंदर काफ़ी धुआँ हो गया था इसलिए हम बाहर रख दिए हैं अंगीठी को। देखिए कितना अंधेरा है। और अब देखिए हमारा ये नया मकान, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है हमारा नया मकान, अभी अंधेरा है इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है जो कि गृह प्रवेश होने के बाद, हम लोग के शिफ्ट होने के बाद पूरा किया जाएगा। देखिए पूरा बल्ब वगैरह जल रहा है लेकिन अभी नीचे अंधेरा है। तो अब हम चल रहे हैं फ्रेश होने, ब्रश करेंगे और नहा वहा करके पूजा की तैयारियां करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम एकदम अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अब हम सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, घुघरी और हलवा और साथ में चाय, ताकि जो लोग व्रत नहीं हैं वो लोग नाश्ता कर सकें और जो लोग व्रत हैं उनके लिए फलाहार अलग से बनेगा। और फिलहाल में तो हम सूट ही पहने हैं क्योंकि अभी हमें काम करना है। तो अभी पंडित जी आए भी नहीं हैं और मेहमान भी नहीं आए हैं, तो अभी हम सूट में ही काम कर रहे हैं। जब सभी लोग आने लगेंगे तो तुरंत हम साड़ी पहन लेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को यहाँ तक देखें उसके लिए धन्यवाद और प्लीज़ आगे भी हमारे वीडियो को पूरा देखें और इसे कम्प्लीट ज़रूर करें। और हमें कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे गृह प्रवेश का पूजा विधि और हमारा नया मकान आप लोगों को कैसा लगा और तैयारियां कैसी थीं। और पिछले वीडियो में हमने आपसे ये कहा था कि सरप्राइज़ गिफ्ट किसको मिलने वाला है, तो आज हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे कि सरप्राइज़ गिफ्ट किसको मिलेगा, सरप्राइज़ गिफ्ट है क्या। तो लीजिए बातों बातों में ही हलवा बन करके तैयार हो चुका है और अब हम घुघरी बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए हमने चने को अच्छे से धुल दिया है और इसे कुकर में रख दे रहे हैं, अपना उबलेगा तब से हम आगे की बातें शुरू करते हैं।
और आप लोग वीडियो लगातार देखते रहें। और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज के ही दिन हमारी शादी हुई थी, तो आज हमारे शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो आज हमारा 7वां शादी का सालगिरह है। और आज ही के दिन पंडित जी गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाले हैं, तो आज के दिन पूजा भी हो रहा है और हमारे शादी का सालगिरह भी है। तो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद हम अपने कमरे में गए और फटाफट हम तैयार होकर के वापस आ गए। और हम बाहर भी लोगों को देख रहे हैं क्योंकि मेहमान लोग आ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं, तो सबको हम नाश्ता वास्ता करा करके खाना बनाने के लिए अंदर आ गए हैं किचन में। और खाना दो जगह बन रहा है, एक नए घर में बन रहा है और एक पुराने घर में। तो नमक वाला चीज़ पुराने घर जगह बन रहा है और मीठा चीज़ नए वाले घर में बन रहा है, क्योंकि पहली बार बन रहा है तो कुछ मीठा ही बनना चाहिए। और वहाँ प्रसाद वगैरह भी उधर ही बन रहा है। तो हमारी ननद आ चुकी हैं, वो प्रसाद वगैरह नए घर में बना रही हैं। और भी मेहमान आ चुके हैं, तो लेडीज़ वगैरह जो हैं और मेरे जो दादी हैं बर्तन धुलने वाली, उनकी लड़कियां भी आई हुई हैं, तो वो लोग भी हेल्प करा रही हैं उधर। और वो लोग इधर भी आ रही हैं, उधर भी, दोनों जगह वो लोग हेल्प करा रही हैं। तो पूजा नए घर में शुरू हो चुका है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद जाएंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर पहले काम कर ले रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्योंकि अभी शुरुआत का ही पूजा हो रहा है, अभी संकल्प वगैरह वो लोग ले रहे हैं। तो गृह प्रवेश का पूजा मम्मी पापा को कराना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से हमारे जेठ और जेठानी करा रहे हैं, और हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि और लोगों को भी देखना है और सारा काम हमी को करना है, तो इसलिए हम नहीं करा पाए। तो हमारे जेठ और जेठानी पूजा करा रहे हैं। पहले पूजा वाले घर में से करहिया ले ले आवा था, वही तो था, वो तो था पहले, देखा पूजा कर रही है, पूजा है तो तुरंत लेके आवा, करे के कर जल्दी पूछ के जल्दी दावर चाहता हूं। हां लेके आवा। इतने सारे लोग हैं कि एक कढ़ाई में सब्जी बनाना मुश्किल है, तो हमने दूसरा कढ़ाई को मंगाया है क्योंकि दोनों कढ़ाई में एक साथ हम सब्जी बनाएंगे। और देखिए यहाँ का सब बिखरा हुआ है, और देखिए हमने फिलहाल में क्या क्या बनाया है, और देखिए कमरा पूरा कैसे बिखरा पड़ा है। अभी सभी लोग पानी वानी पी करके, कुछ लोग आए थे तो नए वाले घर में पूजा हो रहा है तो चले गए। भाभी के छुड़की भाभी ओम चेदरो पणे महामाये देवे हरे जय समन्विते इष्ट देवी सीता माते ते जोमदेव गुरु स्वामे प्राणायाम हजंत सुखदपतिर गदातु त्रिखद सवामरुतः प्रसेन मातर शुभम यावानो विदधे विषवे नो देवावसामिन भद्रं कणे वीर्णं देवा भद्रं भजेमा स्थिरैरङ्गाय श्रुत्वा गुंसशासनोरभेदसैर्महे देवहितं यदायुः अन्ती देवायत्रा नश्चकरा जरसन्नम्भूत्रासो यत् पितरो भवन्ति मानो शांति पिता
सभी शांति रावा शांति रोषतया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सामा शांति रे दे ओम सर्वे देवे भिन्नम सर्व प्राणे भिन्नम आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि ओम चंदनस्य महत्कुणं पवित्रं पावनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीति हरि सर्वदा लक्ष्मीति सती सर्वदा समृद्धि प्रदान करें इस भाव से भगवान को मस्तक झुकाकर हम सभी प्रणाम करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सोर्पयाय लंबोदराय सकलाय जगदीताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम वयाक दिव्यांग औषधि तो आप लोगों ने देखा कि संकल्प वगैरह वहाँ पर लिया जा रहा था और पूजा हो रहा था, लेकिन अब पूजा की शुरुआत हो चुकी है और हमें यहाँ भी देखना पड़ रहा है, वहाँ भी देखना पड़ रहा है और पूरी रात हम सोए नहीं हैं। पूरी रात क्या, एक सप्ताह पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आपने हमारी वीडियोस को देखे ही होंगे, दो वीडियोस पहले से ही हैं कि नए घर में कितना सारा सफाई करना पड़ता था, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा एकदम तीन फ्लोर सफाई करना था और मार्केट भी जाना पड़ता था, गृह प्रवेश की पूजा की सारी तैयारियाँ करनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों में नींद ही कहाँ आता था, एक घंटे दो घंटे मुश्किल से नींद आता था रात में, एकदम टेंशन बना रहता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा, अभी इतना दिन बचा है कैसे होगा। इन सब चीज़ों में नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात जगे रहते थे। तो टेंशन तो तब तक बना रहेगा जब तक हम लोग शिफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पूजा को देखने।
तो हे वैष्णवी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने भी भगवान जी के पास इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ चला गया। तीसरे अध्याय का खंड चतुर्थ अध्याय समाप्त। राजा ने अपने मन में विचार किया कि सदैव के ही मेरे धन और पुत्रों को नष्ट किया है, तो ठीक निश्चय है तो अब वहीं चलना चाहिए जहाँ श्री भगवान जी का पूजन हो रहा था। आप चंदन लगाइए, आप सिंदूर के बाद लगाइए, झंडे लगाना है बांस का एक पचास झंडे को कहीं लगा दीजिए, लगना चाहिए सब पर। ओम तम यज्ञम महर्षि प्रोक्षम पुरुषम जात मग्रतः तेन देवा साध्या वरेश्यश्चय। हाँ आप सिंधु का टीका लगाइए ऊपर से ऊपर। हाँ हनुमान जी को सिंधु भी चढ़ता है ना, काली से ले लो लेकिन बस रुक रुक ज्यादा समय नहीं लगेगा। पांच मिनट को ले आपको चलो आ गया। ये लोग आगे चले, आप पीछे नया आया यहाँ बैठ जाएंगे करके। ईशान देवता का ध्यान करें, ईशान कौन है, जल माता का स्थान है, उनका ध्यान करें। ओम आगच्छ ईशान देवता स्थाने चात्र स्थिरो भव, जावत पूजा करिष्यामि तावत सानिध्यो भव। प्लस पर जल छोड़िए, जल तीन बार जल छोड़िए। ओम एतावानस्य महिमातोर्यायस्य पुरुषहवादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपदसमिदन्दे। ओम पाद्यम अर्घमात्मनम समर्पयामि। ओम ईशान देवताभ्यो नमः। येन देवा साध्यावरेश्यस्य चन्दनं विलेपयामि। ओम ईशान देवताभ्यो ओम ब्राह्मो अस्य मुखमासित बाहो रजनकित ओरु तदशद सपदाभ्यां गुंग सुत्र जातों धूपमा ग्राप्यां उसं देवताभ्यो नमः। क्लस में खोस दीजिए, घुमा के चढ़ा दीजिए हो गया। ओम दीपम दर्शयामि। ओम ईशान देवताभ्यो नमः। माला चढ़ा दीजिए, लंबा करके लगाइए आगे से, जैसे सूर्य हो जाए। ओम यत्पुरुखं यद्दावकल्पय नमुखं किमस्यासीतिकं बाहु किं रूपद्याउचिते। ओम पुष्पलं समर्पयामि। ईशान देवताभ्यो नमः। दही गुड़ का भोग लगा दीजिए। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिषणो देव समवर्तत पदाभ्यायां भूमि दीर्षासो तथा लोकालोका कल्पयनः। ओम नवेद्यं नवेदयामि हि आचमन। ओम आपानाय स्वाहा, अभ्यानाय स्वाहा, मुदनाय स्वाहा, समनाय स्वाहा, सुदात्मं प्रथम समर्पय। समर्पयामि। ओम मोबाइल कनेक्शन
अरे यार अभी खाना पीना वन खा ले जा, दादी बदे ले ले जा, तब न जब लोग नहीं बस यूरा नहीं तो यूरा होता है। कहाँ रखे नमक पतिया को इका हुआ तो झंडा गड़त हुआ भैया। स्वाहा बोलेंगे ना अपने में छोड़िएगा, वापसी में एक दूसरे में बनवाइएगा साथ होगा, ठीक है ना। अति आहुति हे ओम ओम इंद्राय स्वाहा इदा इंद्राय नमः ओम आग्नेय स्वाहा इदा आग्नेय नमः ओम सुमाय स्वाहा इदा सुमाय नमः ओम भू स्वाहा इदा आग्नेय नमः ओम वह स्वाहा भगवते नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा। साक्षी करते हैं दोनों जन, साक्षी करते हैं दी बात करते हैं आहुति नीचे न गिरे, जितना आहुति दीजिए कुंड में रहे। लकड़ी सर रखिए, पत्ता पत्ता वाला लकड़ी रखिए, थोड़ा सा कर दीजिए।
बाहर नहीं अंदर है तो फ्रेंड्स सरप्राइज गिफ्ट यही है कि आज से और अभी से ये मकान हमको मिल गया है और शादी का सालगिरह था तो अब से ये मकान मुझे मिल गया है और मेरे सास ससुर बोल दिए हैं कि अब से ये तुम्हारे शादी का गिफ्ट है, अब से तुम इसी में रहोगी और अब पुराने घर में तुम नहीं रहोगी। क्योंकि पुराने मकान में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हमको यहाँ वहाँ भागा दौड़ करना पड़ता था और मकान भी ख़राब ही लगभग हो चुका था। तो आपको गृह प्रवेश का व्लॉग, गृह प्रवेश का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।